चलिए, कुछ नेटवर्क इरर आ गया था जिसके कारण क्या हो गया था ना कि यहाँ पे आपका हो गया था क्वेश्चन हमारा बंद। तो हम लोग फिर से वापस हैं। तो चलिए, सबको आने का वेट थोड़ा सा। आज ये यहाँ पर कुछ नेटवर्क इरर हो गया था जहाँ पे आपका स्ट्रीमिंग बंद हो गया था। यहाँ पे हमारा, हम लोग फिर से इसको स्टार्ट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 पे अभी भी हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे जो जो चले गए थे, फिर से अब आज ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल गया होगा। सर लिंक चला गया था यूट्यूब पे ही, ठीक है। निगम, सौरभ राठौर, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 12 आए हैं अभी, सब आ जाए एक बार। चलिए, 12 ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। 12 क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा है कि कौन सा डिवाइस आविष्कार किया गया था बोबिक के द्वारा। तो ऑप्शन है पंचकार्ड, मैग्नेटिक बबल स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑल वीडियो क्लास कल बंद है फिलहाल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दे सकते हैं, ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बोबिक इन 1960। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक बबल स्टोरेज, जिन्होंने इसका खोज किया था 1966 में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज ऑप्शन से वोलेटाइल होता है, हैज स्मॉल कैपेसिटी, वेरी एक्सपेंसिव, इज प्रोग्रामेबल। तो ऑप्शन से 27 का नंबर क्वेश्चन का, रैम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज, रैम इज यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट इज, ऑप्शन क्या है 23 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो सभी आए नहीं, चलिए जो भी आ गए, सचिन जी आ गए, अक्षय कुमार, अभिषेक कुमार, निगम कुमार, जितेंद्र कुमार, रुपेश यादव, रचना भारती, अक्षय कुमार, 23 का ए, ठीक है, न्यारिका कुमारी ए, हाइट आउट 2.0। चलिए, तो देख लीजिए आप लोग, हाइट आउट का आंसर तो नहीं कर रहा, हाँ सी दे रहे हैं सचिन एलविस, 23 का ए। तो 23 का आंसर हम लोग ले लेते हैं। 23 का आंसर जो भी सही है तो देख लेते हैं, वोलेटाइल, RAM is used as a short memory because it is volatile. Volatile का मतलब मैंने बताया था, उड़नशील होता है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंप्यूटर का आपका बंद हुआ तो आपका सारा डाटा जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया A। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पर आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी अब थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। Which is a device that changes information into digital form? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है, that change information into digital form? सूचना को बदलता है डिजिटल फॉर्म में, मॉडम, डिजिटाइजर, माउस और लाइट पे। तो इसका आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को 24 नंबर क्वेश्चंस का, कि विच इज ए डिवाइस दैट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसका आंसर है आपका डिजिटाइजर, ठीक है। तो इसका आंसर है 24 का बी। तो 24 का बी जो जो दिए थे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, विच नेटवर्क इज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे कहा विच नेटवर्क इज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो ऑप्शंस आपके पास है, रिंग नेटवर्क, लैन है, स्टार नेटवर्क और यूरोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, तो आप लोग आईपीएल में लीजिए है, उसका स्कोर भी बता रहे हैं। तो चलिए, कोई नहीं, आंसर लिया इनका कुमारी बी, कुमार साजन बी। तो चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन, विच नेटवर्क इज ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इसका आंसर है डी, यूरोनेट। तो 25 का आंसर है आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, सिंबॉलिक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड इन, कि सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो कब डेवलप की गई थी, 1962, 50, 74 और 1980। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि सिंबॉलिक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड इन। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकी रानी, हाय सर, विशाल महेंद्र बी, 25 का बी, सचिन एलविस, 25 का बी। 26 का आंसर आप लोग देना शुरू कर सकते हैं, द सिंबॉलिक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड इन,
सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो कब डेवलप की गई थी। चलिए 1962 कहना है 26 का सी निगम कुमार, 26 का अभिषेक कुमार, 26 का डी हाई टाउच, 1962 मतलब ए, 1980 रुपेश यादव, डी निक्की रानी, हाय सर हाय, आंसर दीजिए 26 सचिन एलवी, 26 का बी। तो इसका आंसर देख लेते क्या है, तो 26 सचिन जी आपका आंसर सही है, निहारिका कुमारी का भी सही है, अभिषेक कुमार 26 का डी, निक्की रानी सी गलत है सर, ये क्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए हिमांशु कश्यप जी, ये सभी क्वेश्चन है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 26 का बी आंसर जो जो दिए थे अंचल कुमारी, विकास कुमार, निहारिका, मनीषा कुमारी, ठीक है, डी गलत था मनीषा जी आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 27 पे, एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर मोर एक्सपेंसिव, मोर पोर्टेबल, लेस रिगिड, स्लोली एसिस्ट का, एज कंपेयर टू डिस्किट्स द हार्ड डिस्क आर, अगर हार्ड डिस्क के तुलना में डिस्किट्स क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहां पे 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एज कंपेयर टू डिस्किट्स द हार्ड डिस्क आर, कि डिस्किट्स जो होता है वो हार्ड डिस्क के तुलना में क्या है, तो मोर एक्सपेंसिव होता है। चलिए 27 का आंसर ए अभिषेक कुमार दिए थे, ताकेश्वर रजा, बी जितेंद्र कुमार, सचिन एलबीस, सन्नी कुमार सिंह, 26 का बी अंचल कुमारी, 27 का ए निगम कुमार, निहारिका कुमारी, ठीक है मनीषा कुमारी, ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर जो बनी थी उसको क्या नाम दिया गया था, तो ऑप्शंस आपके पास है फेमटो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो क्वेश्चंस का ऑप्शंस आ गया, आप आंसर देना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का, व्हाट इज द नेम गिवन टू द मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर, तो 28 का आंसर दिए हैं सबसे पहले जितेंद्र कुमार बी, ठीक है 28 का आंसर देना आप लोगों को। चलिए रुपेश यादव, मेरा नेम नहीं लेते हैं सर, 28 का ए गलत है, रुपेश जी नाम सभी का ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है कभी कभी तो नहीं ले पाते। तनु प्रहलाद तनु बी, न्यारका कुमारी बी, निगम 28 का बी, तो चलिए बी जो जो आंसर दिए थे उसका आंसर में भी सही आप लोगों का, तो लीजिए तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 29, विच प्रिंटर यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स, तो यहाँ पे का विच प्रिंटर्स यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स, तो उसको हम लोग कौन सा प्रिंटर कहेंगे, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन और आपका है डेजी व्हील, तो ऑप्शन सही आपका आ चुका है 4। क्वेश्चन का विच प्रिंटर यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स, तो 29 का आंसर आप लोग दे सकते हैं, हाई था 2.0 रचना भारती, सचिन एलविस, 28 का सभी दे चुके हैं। चलिए तो क्या लग रहा है आप लोगों को, 29 का ए आंसर दिए हैं सबसे पहले जितेंद्र कुमार, तारकेश्वर रजाक भी ए, अभिषेक कुमार 29 का ए, सन्नी सिंह 28 का सी, लाइन प्रिंटर, हिमांशु कश्यप ऑल वीडियो 29 का ए, निहारिका कुमारी, तनु प्रहलाद, जोत्सना कुमारी, सचिन एलविस, अंचल कुमारी 29 का ए, एलवी सचिन बी दे रहे हैं, तो चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर इसका है आपका लेजर प्रिंटर्स, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में आंसर है आपका विच प्रिंटर यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक, तो इसका आंसर है लेजर प्रिंटर्स, ये दोनों चीज का इस्तेमाल करती है, तो
स्मित शर्मा 29 का सी गलत है, रुपेश यादव 29 का ए सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड इज डिफाइंड एज ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड डिफाइंड एज ए मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स। ठीक है, तो का ए बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड इज डिफाइंड एज, इसका आंसर है नैनो सेकेंड। ठीक है, तो 30 का आंसर है आपका सी। ठीक है, अभिमन्यु कुमार यादव गुड इवनिंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हम लोग ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 है हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेंटली ए टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास है, चलिए डी भी ले लेते हैं। तो डी है आपका, ऑप्शन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली ए टॉपिक इन ए कंप्यूटर साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा टॉपिक है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्मोडायनेमिक, मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो 31 का सी आंसर दिए हैं सचिन एल्विस, रचना भारती सी है, अक्षय कुमार 30 का दे रहे हैं, न्यायिका कुमारी सी। 31 का आंसर कौन कौन दे रहे हैं, न्यायिका कुमारी सी। तो आप लोग ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में एक वर्ड है इसका जो रेडी, हाँ यदुवन यादव ब्रांड यदुवंशी सी, काजल कुमारी सी, तनु प्रहलाद सी, ताकेश्वर रजक 31 का सी। तो 31 का सी है थर्मोडायनेमिक, ये जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, वेयर है द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी लोकेटेड बिफोर द एलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन इट। कि वेयर है द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी लोकेटेड बिफोर द एलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट इन इट, कि जब तक उसको एलयू या कंट्रोल यूनिट ऑपरेट नहीं करती वो डाटा कहाँ रहता है। तो ऑप्शंस आपके पास है, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक टेप्स। तो ऑप्शंस आपके पास है, इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपका कहा, वेयर हैव द प्रोग्राम एंड डाटा टू बी लोकेटेड बिफोर द एलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन इट। इसका ऑप्शन है आपका 32 का, इंटरनल मेमोरी में होल्ड करती है डाटा प्रोसेस होने से पहले। ठीक है, 32 का ए आंसर सही है। तो पहला आंसर है 32 का अभिषेक कुमार, सचिन एल्विस, हाइट आउट 31 का सी दे रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 ले लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि व्हेन वाज एप्पल मैकिंटोश सेकंड माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, कि एप्पल के द्वारा एप्पल मैकिंटोश सेकंड माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट 1964, 1970, 1983, 1986। क्या लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए ये डेट है तो डेट तो याद रहता नहीं उतना, तो आप लोग इसका आंसर हम दे देते हैं, 1983 में एप्पल के द्वारा एप्पल मैकिंटोश सेकेंड माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द, कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है उसे हम लोग ऑलरेडी और दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको कहा जाता है क्या। तो ऑप्शंस आपके पास है, देखिए क्लॉक, नर्व सेंटर, आईसी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हाइट आउट 32 का ए। चलिए तो 34 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है, स्क्रीन पे आ चुका है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे इसका आंसर है नर्व सेंटर, हम उसे क्या करते हैं नर्व सेंटर। 34 का बी आंसर है, पिछले क्लास पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन जरूरी था इसलिए हम इसको फिर से दे दिए थे आप लोगों को। तो जो भी आंसर 34 का बी दिए हैं उनका आंसर सही है, जितेंद्र कुमार, अभिमन्यु कुमार यादव, यदुवंशी, अंचल कुमारी 34 का बी, निहारिका कुमारी डी, सचिन एलवी 34 का सी, अक्षय कुमार। तो चलिए चलिए कंफर्म है, हाई डाउट आंसर आपका सही है 1983। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पर आते हैं। द बाइंडिंग नंबर नीड मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज
कि बारह नंबर नीड मोर प्लेसेस, कि बारह नंबर को ज्यादा जगह और नीड मोर प्लेसेस ज्यादा जगह चाहिए फॉर काउंटिंग, बिकॉज काउंटिंग के लिए, बिकॉज ऑप्शंस आपके पास है, जीरो एंड वन कैन बी एडेड इन फ्रंट ऑफ देम। चलिए तो यहां पे कहा कि बाइनरी नंबर नीड्स मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग बिकॉज, ऑप्शन इसका है डी आंसर है। हाय टाउट सर, आप लेट से कमेंट, हाँ कमेंट ना आपको लेट आता है, इसी वजह से आप लोगों का ना राइट टाइम नहीं हो पाता है, आप लोगों को लगता है थोड़ा लेट से हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि देखिए जब तक सर्वर पे चढ़ के आता नहीं है वो हमको स्क्रीन पर दिखेगा नहीं, इसी वजह से, ठीक है। तो 35 का आंसर डी है, बाइनरी बेस इज स्मॉल, कि बाइनरी का जो बेस है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसको ज्यादा जगह चाहिए काउंटिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, तो ऑप्शन है प्राइमरी सेकेंडरी रैंडम सीक्वेंस रैम और रोम ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कह रहा है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, चलिए तो बताइए क्या है 36 का आंसर। 36 का आंसर तो आप लोग दे सकते हैं, 36 का आंसर आप लोग दे सकते हैं, चलो कर सचिन एलवी 36 का बी, अभिषेक कुमार 36 का सी, जितेंद्र कुमार 36 का सी, ठीक है। तो दे जो देख लीजिए 36 का आंसर सी सही है, तो जो जो 36 का आंसर सी दिए थे उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए रचना भारती ए दे रही थी गलत है, स्मित शर्मा चलिए क्वेश्चन नंबर, मेरा तबीयत भी थोड़ा आवाज ही बैठा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन इन द वर्ल्ड विच यूज्ड ए प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये कहा कि नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन इन द वर्ल्ड विच यूज्ड ए प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, कि दुनिया का पहला गाइडेड वेपन बनाया गया था जिसमें इस्तेमाल किया गया था डिजिटल कंप्यूटर का, प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर के कब इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर पहले हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, एक सेकेंड जरा देखिए फोन बार बार, हेलो हेलो चलिए तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन कहा कि नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन इन द वर्ल्ड विच, आंसर कौन कौन दे रहे हैं देख लेते हैं हम। तो 36 का आंसर पहले सॉरी ऑप्शंस ले लेते हैं इसका, ए बी सी और ये आपका डी, ठीक है। तो नेम ऑफ द फर्स्ट गाइडेड वेपन, दुनिया का पहला मेम सीरीज, आप तो लाइव क्लास करते नहीं है, खाली आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो देंगे पीडीएफ सारा का डालेंगे, क्योंकि सारा इससे बहुत कोई पढ़ ही लेते तो वहां दिक्कत नहीं। चले तो यहाँ पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का 37 का बी आंसर दिए हैं, 37 का बी, 37 का सी, 37 का, ठीक है। हाय एवरीवन, रिंकी मौर्य, सचिन एलविस, 37 का बी तो गलत आंसर है, 37 का आंसर है स्टिंग रॉय टॉरपीडो। तो इसका हम फोटो डाल रहे हैं, देखिए एंटी सबमरीन वेपन्स होती है ये, पानी में जो मिसाइल चलता है पानी में, तो वो आपका है उसको कहते हम लोग एंटी सबमरीन वेपन, जिसका नाम था स्टिंग रे टॉरपीडो, ठीक है, टॉरपीडो है। तो ये है देख लीजिए इसका इमेज हम डाल दिए हैं, तो ये है आपका 37 का ए। टॉरपीडो क्या होता है, तो हम लोग का जो पनडुब्बी जहाज होता है या फिर पनडुब्बी या नीचे नीचे जो चलती है उसको वो उसमें जो फायर किया जाता है पानी में, नॉर्मल या नॉर्मल मिसाइल तो चलेगा नहीं, तो पानी में जो मिसाइल चलता है उसको हम लोग कहते हैं टॉरपीडो। उसमें इस्तेमाल की गई थी पहली डिजिटल कंप्यूटर का प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड नोन एज, ठीक है, कि प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड नोन एज। तो ऑप्शन आपके पास है, चलिए टेस्ट लेंगे क्लास खोलने के बाद, मीम सीरीज टेस्ट लेंगे, चलिए
ऑप्शंस पहले आपके पास है, यहाँ पे का प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड नॉन एज, इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, 11 क्वेश्चन और बचा है, पहले इसको कर लीजिए फिर आराम से आप मछली चावल खाइएगा। ठीक है, विच इज द नेम गिवन टू द वेपन्स विच यूज कंप्यूटराइज्ड गाइडेड सिस्टम, यहाँ पे कहा कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेपन्स विच यूज्ड कंप्यूटराइज्ड गाइडेड सिस्टम, कि कंप्यूटराइज्ड गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करके जो वेपन्स बनाई जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइडेड वेपन्स, स्मार्ट वेपन, डब या स्टार वार्स वेपन्स। ऑप्शंस आपके पास आ चुका है क्वेश्चन का कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेपन्स विच यूज कंप्यूटराइज्ड गाइडेंस सिस्टम्स, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो 39 नंबर क्वेश्चन को क्या कहेंगे कि जिस कंप्यूटर में, जिस इस हथियार में गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, गाइडेड कंप्यूटराइज्ड गाइडेड सिस्टम का, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो पहला आंसर 39 का आया है सचिन, एंड 39 का सी गलत है सचिन जी, तारकेश्वर कुमार 39 का है गलत है, ऋषि कुमार 39 का बी, ऋषि कुमार जी ठीक है, रचना भारती 39 का बी सही है, जितेंद्र कुमार डी गलत है, न्यायिका कुमारी बी दे रही है वो भी गलत है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं इसका आंसर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट वेपन। 39 का आंसर क्या है, स्मार्ट वेपन। आप सुने होंगे कंप्यूटराइज जो आजकल घड़ी में भी आता है स्मार्ट वॉच कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका स्मार्ट वेपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली अंटिल द सीपीयू नीड्स इट, तो यहाँ पे का वो कौन सा डाटा को होल्ड करता है, टेम्पोरली डाटा को होल्ड करेगा सीपीयू में प्रोसेस होने से पहले, तो रोम, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी और को प्रोसेसर चिप्स। ठीक है, तो 40 नंबर का आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो 40 का आंसर आपका है मेन मेमोरी डाटा को होल्ड करती है सीपीयू में प्रोसेस होने से पहले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, क्वेश्चन 41 लेते हैं हम लोग, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ऑन दैट के, एक मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है रन वेरी फास्ट, शेयर हार्डवेयर सोर्सेस विद द मेनी प्रोग्राम कंटेंसली, चलिए कंप्यूटर मेनी प्रोग्राम, चलिए आ गया डी, तो ऑप्शंस आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे सकते हैं, ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज वन दैट के चलिए आंसर दीजिए आप क्या है, 41 का आंसर दे रहे हैं ए रन वेरी फास्ट, नहीं ये नहीं सही आंसर है, ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है उसका आंसर इसका क्या है, तो देख लीजिए इसका आंसर है आपका बी, शेयर हार्डवेयर सोर्सेज विद द मेनी प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेंपरेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेंपरेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, कि एक हाई स्पीड डिवाइस है जो सीपीयू में होता है, कंप्यूटर सीपीयू को प्रोसेस के दौरान डाटा को स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आंसर है ए रजिस्टर, ए बस, डेटाबेस, ऑल ऑफ द एबव, तो याद रखिए इसका, चलिए इसका आंसर है ए रजिस्टर। तो 42 का मतलब क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए आप लोग का, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू, एक हाई डिवाइस है, हाई स्पीड डिवाइस है जो सीपीयू में यूज होता है फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, कि प्रोसेसिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 42 का आंसर ए है, तारकेश्वर कुमार रजक, इमरोज आलम हाय। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड हैव फैंटास्टिक मेमोरीज, हाउएवर द ओनली थिंग दे कैन रिमेंबर इज, यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड हैव फैंटास्टिक मेमोरीज, अच्छा सा मेमोरी भी है, हाउएवर दैट ओनली थिंग दे कैन रिमेंबर इज, लेकिन वो याद क्या, इंस्ट्रक्शन सीरीज ऑफ वर्ड 0 एंड 1 बोले अलजेब्रा लॉजिक थ्योरम्स, तो इसका आंसर है आपका बी, सीरीज ऑफ 0 और 1, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलती है इसलिए बहुत ही ज्यादा तेज भी होता है,
और इसके पास अच्छा खासा मेमोरी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 ले लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, नेम द टू पर्सन हु वेयर द फर्स्ट टू डेवलप ए मॉडल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप, कि उन दो व्यक्ति का नाम है बनाइए जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर चिप का मॉडल तैयार किया था। तो ऑप्शंस है मार्शियन टेड हॉप, विक्टर कूवर, हैरी पेल, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है आपका बोथ बी एंड सी। तो चलिए 44 का आंसर हो गया विक्टर कूवर और हैरी पेल। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग 45 लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर विच वॉज फर्स्ट यूज फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, कि वो कौन सा कंप्यूटर था जिसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था प्रोग्रामिंग में और गाना बजाने के लिए। तो गाना बजाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन आपके पास है, शॉर्ट में सभी है। तो चलिए यहाँ पे एलियक, एनियक, यूनिबैक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर विच वॉज फर्स्ट यूज फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले प्रोग्रामिंग में और गाना बजाने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपके पास है, 45 का सबसे पहले आंसर दिए रोहित राज, 45 का डी ताकेश्वर कुमार रजक, 45 का बी दिनकर कुमार ए। दिनकर जी आपका आंसर सही है। सन्नी सिंह 40 का सी गलत है। जितेंद्र कुमार ए सही है। अभिषेक कुमार 45 का ए सही है। अक्षय कुमार 45 का सी। अंचल कुमारी 45 का डी गलत है। न्यारिका कुमारी सही है। तनु प्रहलाद तनु ए सही है। नंद किशोर 45 का भी गलत है। तो देखिए इसका आंसर है 45 का ए एलियक। ये आया था आपका पहला कंप्यूटर। पूजा कुमारी 45 का सी गलत है। पहला कंप्यूटर था LELLIAC जिसमें एक की प्रोग्रामिंग का और गाना बजाने का इस्तेमाल किया गया था। नीतीश राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हु इज द क्रिएटर ऑफ द पास्कल लैंग्वेज, कि पास्कल लैंग्वेज किसने बनाया था। तो आपका ऑप्शंस आपके पास है। देखिए नाम थोड़ा सा इन लोगों का उल्टा पुल्टा होता ही है। तो चलिए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। तो चलिए 46 क्वेश्चन आपके पास है, तो इसका आंसर आप लोग ले लेते हैं। आंसर है निकोलस विर्त। अब बताइए निकोलस विर्त जिन्होंने पास्कल लैंग्वेज को बनाया था वो आपका कौन था, निकोलस विर्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 46 का ए, 46 का डी। ए जो जो सही आंसर दिए तो उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 ले लेते हैं। द टाइम टेकिंग फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर छोटा है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम टेकिंग फॉर द रीड राइट हेड, कि टाइम लेता है रीड राइट हेड टू मूव टू करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड, उसको कहते हैं एपोज टाइम, लेटेंसी टाइम डिले, सीक टाइम, उसके एपोज टाइम। तो पहले इसका आंसर ले लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं होता क्या है, ये कौन सी डिवाइस के बारे में बात इसको आंसर। इसका आंसर है सीक टाइम। तो पहला आप देखिए, ये है आपका हार्ड डिस्क के अंदर का सीक। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि प्लेट लगी होती है, प्लेट के ऊपर लगा होता है रीड राइट हेड। आप देख रहे होंगे आपको इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो देखिए ये आपका डिस्क है और उसके ऊपर ये आपका रीड राइट हेड लगा हुआ है। अब कोई भी डाटा के पास उसको जाने में, इसको राउंड होने में इसको टाइम लगता है। मान लीजिए कोई भी डाटा जब हम लोग इसमें डालते हैं तो डाटा पूरे में फैलती है इसमें। तो अब ये पिन ये क्या होता है, इस पर राउंड करती है। तो अगर कोई भी डाटा को सही ट्रैक पर इस रीड राइट हेड को जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं सिक टाइम। याद रखिएगा इसका आंसर है सी, 47 का सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। 124 बाइट्स रिप्रेजेंट ए मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और नन ऑफ द एवर। 48 का आंसर देखते हैं किनको किनको याद है, कौन कौन भूल गए। तो 1024 बाइट्स रिप्रेजेंट ए, 1024 बाइट मिलके क्या प्रेजेंट दिखाता है, दर्शाता है, बताइए। तो चलिए 48 का आंसर देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं। पहले एमडी काफिल 48 का ए, 1024 बाइट बराबर क्या बोल रहे हैं आप। एमडी काफिल आंसर दिए हैं ए। पूजा कुमारी सी 48 का ए, दिनकर ए। इसमें भी देखिए कितना क्या गलत हो रहा है, बताइए। इसका आंसर है किलोबाइट। एमडी काफिल जी यही याद किए आप लोग टेबल,
कन्वर्जन टेबल में इसका आंसर सिब्बा, न्यारिका कुमारी है ए, एमडी काफिल है, सिमरन कुमारी सी, सिमरंजन सही है, रचना भारती ए गलत है, रोहित राज 48 का सी सही, उपेश यादव सही है, अभिषेक कुमार बी गलत है, सचिन एलबीएस 48 का ए गलत है, अंचल कुमारी 47 का सी, देरी 47 का नहीं 48 का चल रहा है। जो जो सी आंसर दिए थे उनका आंसर सही है 10 से 24 बाइट बराबर वन किलो बाइट होता है, और आप लोग मेगा बाइट बता रहे हैं, वाह क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, हो गया ना एमडी काफिल जी, एक बार आंसर गलत दे दिए तो गलत हो गया वो, ठीक है, एक बार रंग देने पे, एक बार टिक कर देने पे ऑनलाइन एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं, व्हिच टाइप डिवाइस इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सीपीयू, क्वेश्चन आंसर एकदम बिल्कुल सही इजी है, लेकिन क्वेश्चन समझने की बात है, ठीक है। केशव शर्मा का क्लास है नहीं है क्लास, सर केशव जी ऑफिस खोलेंगे कल, ठीक है, जो सीपीयू से डाटा को रिसीव करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, 49 का देखिए ताकेश्वर राजा 49 का ए गलत है, सी गलत है, अभिषेक कुमार 49 का बी, अभिषेक जी आपका आंसर सही है, रितेश मेरा सी सही, सी सर चले ठीक है, 49 का क्या लग रहा है तो आंसर ले लेते हैं आउटपुट, तो याद रखिए 49 कल क्लास के लिए हम आपको भी बताते हैं, डिटेल्स पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है, फिर आप लोगों से बात करते हैं 5 मिनट, देख लेंगे आप लोग सजेशन ले लेंगे। व्हिच टाइप डिवाइस इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, इसका आंसर है आउटपुट, आउटपुट रहेगा तभी सीपीयू जो भी प्रोसेसर के डाटा देगी वो कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको रिसीव करता आउटपुट डिवाइस तब आपको दिखाई देता है, इसका आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास खुला हुआ रहेगा या नहीं रहेगा। द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम वाज, द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम वाज, कि प्रोग्राम स्टोर करने की आइडिया किनके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन आपके पास है अवर डेल्किन बेसिक पास्कल जॉन वॉन न्यूमन चार्ल्स बैबेज, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है 50 नंबर क्वेश्चन का, फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 50 का आंसर आप लोग देना शुरू कर सकते हैं, 50 एमडी काफिल बी चार्ल्स बैबेज दिए हैं एमडी काफिल जी, क्वेश्चन आप लोगों को लगता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्या सब चीज उन्होंने खोज किया था, बिल्कुल गलत, ताकेश्वर राजा 50 का ए, अभिषेक कुमार 50 का बी, पहले हम सबका पढ़ देते हैं फिर आंसर लेते हैं, पूजा कुमारी तनु प्रधान एल सचिन एलवीस 50 का बी, रचना भारती बी, स्मित शर्मा 50 का ए, जितेंद्र कुमार 50 का ए। चलिए तो यहाँ पे कहा कि द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम वाज, इसका आंसर है ए जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने आइडिया दी थी प्रोग्राम आइडिया स्टोरेज का, ठीक है। तो जो 50 का ए आंसर दिए थे उसका आंसर सही है, रुपेश यादव 50 का डी गलत हो गया रुपेश जी, तो चलिए अब इसको हम लोग रख देते हैं नीचे। अब हम करते क्या है, देखिए अब आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, चलिए हम आ गए बड़े स्क्रीन पर, तो अब आप लोग को न्यारिका कुमारी सर आई कैन इंप्रूव माय सेल्फ इन नेक्स्ट क्लास, चलिए अब हम आप लोगों से पूछते हैं आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्लास कब ओपन होना चाहिए, तो लीजिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को कमेंट भी आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कि क्या आपको क्लास ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना सेकेंड लहर में ये तेज तो है, ठीक है, लेकिन आज मीटिंग में कोई फैसला नहीं ले सके, कोई सर बोल रहे थे कि क्लास खोलना चाहिए हम लोगों को, कोई सर बोल रहे थे क्लास नहीं खोलना चाहिए, इसी सब में आज हम लोगों का मीटिंग भी हुआ, लेकिन मीटिंग में पीटी कोई फैसला नहीं कर सकी है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि क्लास ओपन करना है, रोहित राज नहीं, मीम सीरीज नहीं, ठीक है, क्लास तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि पुलिस का फाइन, पुलिस थोड़ा सा कड़ा भी हो गया है,
आप लोग देख रहे होंगे कि घूम घूम के चल रहा है, पुलिस लोग मैकिंग कर रहे हैं कि क्लास अभी ओपन आपको नहीं करना है, नहीं करना है, क्लास दुकान भी 7 बजे तक खुली रहेगी, ठीक है। शुभम कुमार, शुभम जी वही तो हम बता रहे हैं कि क्लास के पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि कोरोना को लेके 11 तक क्लास आपको बंद रखनी है, फिर भी हम क्लास उसमें बंद नहीं किए, क्लास 9 तारीख तक चली हमारी। 9 को पुलिस आ गया, बोला कि नहीं क्लास आदेश से ऊपर से बंद कीजिए। रितेश कुमार, आप पे डिपेंड करता है रोजी। देखिए हम घर भी नहीं गए, हम तो हैं भागलपुर में, क्लास खोल देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना का कोई पंगा हो जाता है किसी स्टूडेंट को, हो जाता है स्टूडेंट से या हमको भी हो जाता है, मेरा तो थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो क्या किया जाए। वही बात है, हमको ये भी लग रहा है कि आधा से ज्यादा बच्चा जो है ना वो खाली, जितेंद्र कुमार सही कह रहे हैं, नहीं कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए बंद रहना दीजिए, मेरे लॉज मेरा लॉज खाली हो गया है। निहारिका कुमारी, लाइफ इज वेरी प्रीकियस फ्रेंड, ये बात सही है निहारिका जी का भी, इसी वजह से, क्योंकि देखिए सेकेंड लहर में पहले क्या था कि पहले लहर में हम लोगों को क्या था कि जरा सा भी पता नहीं चला था कि किसी को कोरोना, नाम खाली न्यूज में ही देखते थे कि बगल कोरोना 1 लाख केस निकला, 50,000 निकला, इतना मरा। लेकिन इस बार पंगा क्या चल रहा है ना कि बगल में कोरोना दिख रहा है कि बगल वाले हो गया, बगल वाले का घर बंद हो चुका है, मीम सीरीज करे गो कोरोना गो, थाली बजाने से गो कोरोना बोलने से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। अंकित आनंद, क्लास बंद ही रखिए। तो क्लास हम अभी फिलहाल बंद ही रख रहे हैं क्योंकि पुलिस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर खोल भी देते तो वहां पे पंगा हो जाएगा, तो फिर लेने का देनी हो जाएगा। अभी जेल जाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, जेल तो भेजता नहीं है, करता क्या है 50,000 फाइन मार देता है। अभी जो करके चल रहा है 50,000 कहां से देगा, लोग पिछले साल लॉकडाउन, इस साल सीजन आया आप लोगों का क्लास का, इस साल भी बंद, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्लास बंद ही रहेगा, जो भी अपने फ्रेंड है सबको आप बोल दीजिएगा कि क्लास फिलहाल बंद है। नोटिफिकेशन के लिए हम एक तरीका बता देते हैं आप लोगों को कैसे नोटिफिकेशन देखेंगे, तो आपके पास नंबर होगा, हमारा नंबर नहीं है तो लिख लीजिए 9905569960। तो जिनको ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा, इस नंबर पे आपको डीपी चेक करना है, इसको नंबर सेव करके व्हाट्सएप का डीपी आप देखिएगा, डीपी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब तक बंद होगा। चलिए अंकित आनंद ठीक है, कब तक बंद रहेगा, तो फिलहाल 18 तारीख तक नोटिफिकेशन है सरकार का कि 18 तक बंद होगा। अंकित आनंद पापा मना कर रहे, जरूरी भी है, इस बार कोरोना बढ़ भी ज्यादा रहा है, तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज। चलिए आप लोग को मैच का स्कोर एक बार दिखा देते हैं कि मैच का क्या हालचाल है, तो देख लीजिए। तो देखिए यहां पे मैच हम लोग देख लेते हैं, मैच मैच किधर है, लाइव चल रहा होगा। और पिछले बार ऐप में हम आप लोगों को बता भी दिए थे कि अगर आप लोगों ने सर्कल पर 1 रुपए में अपनी टीम बनाओ और 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। ओ खत्म हो गया आईपीएल 2017 थे, ओ एक इनिंग खत्म हो गया, इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम एक ऐप सॉफ्ट वीडियो डाल दिए थे, अगर आप लोगों के पास वो लोग अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे थे तो हम बता देते। देखिए अगर आप लोगों को मैच देखने में दिक्कत आता है तो ये एक वीडियो था जो हम डाले थे आप लोगों के लिए, ठीक है, कि लाइव फ्री आईपीएल देखिए अपने फोन में, इसमें हम लिंक भी दिए हुए हैं आप लोगों को, अगर किन्हीं को लग रहा है कि मैच अगर आप नहीं देख पा रहे हैं आईपीएल, तो इस ऐप का इस्तेमाल करके आप आईपीएल फ्री में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ना कोई पेमेंट कटाने का जरूरत होगा, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यही तक रहने देते हैं आज क्लास, हम स्ट्रीमिंग कर दे रहे बंद, ठीक है, गुड नाइट।